नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। यूपी के बुलंदशहर में भीड़ हिंसा मामले में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूरे मामले में बीजेपी के शासन की तुलना जंगलराज से की। उन्होंने कहा, अराजकता को संरक्षण देने के कारण ही इतनी बड़ी घटना हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े व विकास के लिए तरस रहे राज्य में बीजेपी का जंगल राज कायम है, जिसमें अब कानून के रखवाले भी बलि चढ़ रहे हैं, जो अत्यंत दुख व चिंता की बात है। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि परिवारों को केवल समुचित अनुग्रह राशि देना प्रदेश सरकार के लिए काफी नहीं होना चाहिए, बल्कि इस हिंसा के लिए सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा समय पर दिलाना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि देश को ऐसा महसूस हो कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी व इनकी सरकारों को इन्हीं के द्वारा पैदा भीड़ तंत्र के हिंसक व अराजकता के राज्य को खत्म करने के लिए देश व प्रदेशों में कानून का राज स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। देश के संविधान व लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की बलि चढ़ने से आगे रोकने के लिए यह अत्यंत जरूरी है। मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के नेता प्रत्युषमणि त्रिपाठी की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजेपी की बढ़ती हुई भीड़तंत्र की उग्र व हिंसक स्थिति का शिकार अब स्वयं इन्हीं के लोग ही होने लगे हैं। पहले बहुजनों, पिछड़ों, मुस्लिमों व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी हिंसा व उग्रता का शिकार बनाने वाले ये अराजक लोग अब अपनी आदतों से मजबूर हो गए हैं। वहीं ऐसे में सवाल ये है कि लगातार हो रही हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने में योगी सरकार आखिर क्यों नाकाम है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।